रहे हैं भाई हमारे महाकाल बाबा। हर 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 हर। ये कॉरिडोर है भाई साहब, यहाँ अगर आप घूम लिए ना आप जन्नत घूम लोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। हेलो, तो राम राम भाई सारे, स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में। मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। हर हर भोले हर हर महादेव भाई। फिलहाल मैं हूँ उज्जैन, और आप देख सकते हो उज्जैन की मार्केट जो है बारिश से बिल्कुल लबालब। देख लो भाई उज्जैन की मार्केट, और बारिश भाई सुबह से आ रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। मैं फिलहाल छतरी लेके निकला हूँ क्योंकि भाई मेरे को जाना है महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर, और भाई फ़ोन ज़्यादा मैं बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि भाई बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। ठीक है, बहुत सुबह से बारिश हो रही है, मैं नहा के जस्ट आया हूँ क्योंकि भाई आज हमको निकलना भी है। तो फिर इससे पहले भाई निकलें, एक बार कर लेते हैं हमारे प्रिय महादेव के दर्शन। देखो भाई श्रद्धालु जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम श्रद्धालु जा रहे हैं। और भाई आप पीछे की वीडियो भी देख लेना यार, उसमें मतलब पूरा महाकाल उज्जैन के दर्शन, और आपको कॉरिडोर में जो जो भी मूर्तियां भाई साहब, क्या कॉरिडोर है यार। एक बार आओ तो देखो भाई, वहाँ सामने दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है महाकालेश्वर। दिखाऊँ मैं, जूम करके दिखाऊँ अगर आप देखो, वो रे महाकालेश्वर उज्जैन। भाई साहब बारिश में वीडियो बना रहे हो, डेडिकेशन देख रहे हो, छाती में कंटेंट देख रहे हो तुम, देख रहा है बिनो। फिलहाल इसके नीचे खड़ा हूँ भाई, तब बना रहा हूँ, हम निकलते हैं अपनी छतरी के साथ क्योंकि फोन भीग रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत है ये तो तेरी। भाई उज्जैन मंदिर खुल जाता है भाई, तो कितनी बड़ी छतरी ले रखी है उसकी छतरी ले रखी है इसने, क्या बोलते हैं उसको, वो जो फल फ्रूट नहीं बेचते उसकी छतरी ले रखी है। ये क्या हो गया? मंदिर खुल जाता है सुबह 4 बजे, और आपको भाई मंदिर में सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ फूल बेलपत्र प्रसाद वगैरह। अब भी बारिश के चलते कम है, पानी देख लो भाई भरा पड़ा है और आ जा रहा है। और भाई मेरा वीडियो में मुंह वगैरह बहुत ज्यादा कट गया होगा यार, सॉरी, क्योंकि भाई बारिश आ रही है, फोन भी बचाना है। आ गए हम अपने मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ देखो अंदर जाना मन खतरा खतरा, डेंजर जोन बेबी। ये क्या है? खतरा। ये क्या है? खतरा। सही जवाब, आप जीत गए 5 करोड़। अरे भाई, और प्रेयर चल रही है भगवानों की, प्रेरी चलेंगे, और क्या सेक्शन चलेगा यहाँ, क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, व्हाट मैन। और भाई ये उसकी भीड़ लगी हुई है, बस हम आरती के लिए भीड़ लगी हुई है ये सारी। और यहाँ लड्डू मिलते हैं देसी घी के, जो बाबा का प्रसाद होता है। एक बार आओ ना उज्जैन, तो कॉरिडोर में जरूर जाना भाई, वरना जीवन में बहुत कुछ मिस कर दोगे। ओके। देखो आपको बाहर मूर्तियां दिख रही होंगी, वो बैठे हमारे भोले बाबा नाग देवता पीछे है। और यहाँ मिलेंगे आपको कौन, महाकालेश्वर बाबा नहीं दिखे, क्या हो गया, एलईडी खराब होगी भाई इनकी, पिछली बार यहाँ वो था एलईडी थी शंख द्वार पे। व्हाट इज दिस यार, गलत बात है। और भाई जितनी तेज बारिश आ रही है, भीड़ देखो यार बढ़ती जा रही है। ये कॉरिडोर है भाई साहब, यहाँ अगर आप घूम लिए ना आप जन्नत घूम लोगे। बोल शंकर भगवान की। भाई वर्चुअली दर्शन कर सकते हो यहाँ पे, देखो ये रे महाकालेश्वर, और मंदिर देखो कितना प्यारा बना रखा है। भाई आप जैसे जैसे मंदिर के करीब पहुँचोगे ना, आपके अंदर से एक अलग वाइब आने लग जाएगी, क्योंकि भाई साहब बेहतरीन वाइब है यार, मतलब दिल ना खुश हो रहा है, ऐसे हो रहा है कब महादेव के दर्शन हो, कब हो। इंटरनेट पे देखना एक अलग होता है, और जब आप फिजिकली वो चीज़ को फील कर सकते, वो आपको फेस टू फेस ही मिल सकता है। परसों आया था भाई, इस रास्ते से तो नहीं आया था मैं, ये तो कोई न्यू ही रास्ता पहले बन रहा है, लेकिन ये इस रास्ते तो सुन नहीं आया था यार। और जो भाई भीड़ बाहर से भीड़ नहीं लग रही थी बारिश के कारण, वो अब देखो कितनी हो रखी है। भाई भोलेनाथ भी भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं अपने, परसों तो दूसरे रास्ते से, आज बारिश में दूसरे रास्ते से, महादेव भी ऊपर से मजे ले रहे हैं। फाइनली भाई हम पहुंच गए मंदिर के बिल्कुल सामने, और फीलिंग क्या रही है भाई से पूछते हैं, कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर एक महादेव का जयकारा लगा दो। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भाई एक बात समझ नहीं आई यार, जब परसों आया मैं शाम को तब तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब आज आया हूँ मॉर्निंग के बज रहे 9, तब इतनी भीड़ कैसे है, और बारिश हो रही है वो अलग, देखो सारे के भीड़ी भीड़ और ऊपर से आ रहे वो लोग। फाइनली भाई जिस चीज के लिए उज्जैन आए थे बाबा के दर्शन करने, वर्चुअली दर्शन ये हो रहे हैं। ये मिठाई भी बांट दी, खुशी का हो रहे भाई हमारे महाकाल बाबा। और भाई बाबा इतना कामयाब कर दे बस, कि तेरे वहाँ पे बैठ के दर्शन करूँ तेरे पास मकद्दी। लव यू सैतान।
और ये भाई अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर। तो वही दर्शन होते हैं यहाँ कंप्लीट। और भाई साहब क्या दर्शन हुए, मैं कह रहा है पूरे हो गए बैठे। हाय हाय, इतना सुकून। और बारिश में सारा भीग गया भाई, बिल्कुल सर से पैर तक सारा भीग चुका हूँ। तो भाई अब चलते हैं थोड़ा सा मार्केट घूम के, फिर देखते हैं अगर जा पाए तो भाई काल भैरव वगैरह सब जगह जाना यार। बारिश ने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, वरना 3 बजे हमें वहाँ भी जाना था बम नाथ पे शमशान घाट में रात को, क्योंकि भाई अघोरी बाबा से मिलना हो जाता तो भगवान की इच्छा, वरना अब नहीं है तो फिर कोई नहीं, फिर कभी देखेंगे। और मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, हर हर महादेव का कमेंट में, और फिर मिलते हैं आपको, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना।